हेलो सुपर फ्रेंड्स, कुछ दिनों से एक न्यूज काफी ट्रेंड में है। हो सकता आपने भी सुनी हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में एक्टर टॉम क्रूज का एस टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन कैमियो होने वाला है। साथ में जॉन क्रिजिंस्की एज कैप्टन अमेरिका और टॉबी मैग्वायर का स्पाइडर मैन भी दिख सकता है। अब ये न्यूज कहां से आई है, इसका सोर्स MCU में इसकी रियल पॉसिबिलिटी क्या है, और जो नया वंडा विजन ट्रेलर आया है उसका डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी से क्या कनेक्शन होने वाला है, आज के वीडियो में आपको यही सब देखने को मिलेगा। मतलब बेसिकली आज डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं टॉम क्रूज के आयरन मैन कैमियो के बारे में। तो ये न्यूज स्टार्ट हुई इनसाइडर मीडिया के डेनियल रिचमन से, जिन्होंने बताया मार्वल स्टूडियोज के किसी बंदे से उन्हें पता चला कि मार्वल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में मल्टीवर्स के लिए मेन यूनिवर्स के कई सारे कैरेक्टर्स के डिफरेंट वर्जन जो अलग अलग अल्टरनेट यूनिवर्स में होंगे उनके कैमियोज कंसिडर कर रहे हैं। उन्हीं में से एक आयरन मैन का वर्जन टॉम क्रूज प्ले करते दिख सकते हैं। अब डोंट वरी, कोई नया आयरन मैन एमसीयू में नहीं आने वाला है। आरडीजे की लीगेसी को चैलेंज करने का जोखिम मार्वल वाले कम से कम अभी तो नहीं ले सकते हैं। हाँ, बस मल्टीवर्स को इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए केवल एक दो झलक मिल सकती है टॉम क्रूज के आयरन मैन, जैसे ब्रैड पिट का कैमियो डेडपूल 2 में था, पलक झपकते ही गायब। अब ऐसा देखने को मिले तो रियल में मल्टीवर्स वाली फीलिंग आएगी, पर इसके लिए तो मूवी का ही वेट करना पड़ेगा। वैसे एक फन फैक्ट है कि 90s के टाइम में भी एक आयरन मैन मूवी डेवलपमेंट में थी जिसके लिए टॉम क्रूज को ही लीड रोल के लिए कंसीडर किया गया था। तब तो नहीं हो पाया, लेकिन अब मार्वल का टाइम बदल गया है तो टॉम क्रूज एक कैमियो तो दे ही सकते हैं। अब बात करते हैं जॉन क्रिजिंस्की की, जिनके बारे में रूमर है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में अल्टरनेट यूनिवर्स में कैप्टन अमेरिका का कैमियो दे सकते हैं। वैसे जॉन भी क्रिस इवांस से पहले कैप्टन अमेरिका की रोल के लिए रेस में थे, लेकिन इनके डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में अल्टरनेट कैप्टन अमेरिका कैमियो का रूमर एमसीयू फैंस का ही फैलाया हुआ है। किसी भी ऑनलाइन मीडिया या ट्रस्टेड न्यूज एजेंसी से इसके बारे में सुनने को नहीं मिला है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। अब तीसरा कैमियो जिसके बारे में काफी टाइम पहले सुनने को मिला था वो है टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन का, जो तब स्टार्ट हुआ जब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के लिए सैम रेमी को डायरेक्टर अनाउंस किया गया। सैम रेमी ने ही टॉबी मैग्वायर वाले स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी को डायरेक्ट किया था, और टॉबी मैग्वायर के स्पाइडरमैन के लिए फैंस के मन में एक अलग ही जगह है। काफी लोगों का पहला सुपर हीरो था वो। वैसे स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में भी एक बार सोनी ने टॉबी मैग्वायर, एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एक साथ दिखाने की सोची भी थी, लेकिन फिर वो फाइनलाइज हो नहीं पाया। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में भी टॉबी मैग्वायर के अल्टरनेट अर्थ के स्पाइडरमैन वर्जन के कैमियो की बातें चल रही है मार्केट में। तो ये तो बात हुई डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में अल्टरनेट यूनिवर्स में सुपर हीरोज के डिफरेंट वर्जन के कैमियोज की। अब बात करते हैं वांडा विजन और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के कनेक्शन की पॉसिबिलिटी की, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में होने वाली है, और काफी टाइम पहले एक न्यूज लीक हुई थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा विजन शो के क्लाइमैक्स में दिख सकते हैं। तो वांडा विजन का ट्रेलर तो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, बस मेरा वाला ट्रेलर ब्रेकडाउन नहीं देखा। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूं यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। खैर, तो ट्रेलर दो पार्ट्स में बटा था। पहला पार्ट जहां स्कारलेट विच अपनी ही बनाई दुनिया में प्रॉब्लम फ्री लाइफ जी रही थी, जहां उसे रियल वर्ल्ड का कोई दुख दर्द झेलना नहीं पड़ रहा था, और दूसरा पार्ट जहां ये सीरीज प्रेजेंट और रियल वर्ल्ड में बेस्ड है और ढेर सारा एक्शन है। अब वांडा की लाइफ देखें तो पहले अपनी फैमिली खो दी, बाद में अपना भाई खो दिया, और धीरे धीरे विजन से प्यार मोहब्बत हुई तो उसको भी अपने हाथों से ही मारना पड़ा। तो स्कारलेट विच ने काफी दुख देखा एमसीयू में, इसीलिए उसने सारे झंझटों से दूर होकर वेस्ट व्यू टाउन में अपने मन मुताबिक रियलिटी क्रिएट कर ली, जहां विजन जिंदा था और उसके बच्चे भी थे, काफी हैप्पी लाइफ बिता रही थी ट्रेलर के अकॉर्डिंग। वैसे ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या वांडा अपनी दुनिया में क्विक सिल्वर को वापस से जिंदा करती है या नहीं। खैर, स्कारलेट विच का ये फैंटेसी वर्ल्ड रियल वर्ल्ड पर कुछ बुरा असर डालेगा, जो कि ट्रेलर देखकर लग भी रहा है, क्योंकि स्वॉर्ड एजेंसी भी दिख रही है। मोनिका रेम्बो ने जब कुछ सही करने का ट्राई किया होगा तो उसको वांडा ने बाहर ही फेंक दिया अपने फैंटेसी यूनिवर्स से। अब यहाँ इसके बाद एक कुछ टाइम पुरानी फैन थ्योरी काफी फिट बैठती है, जिसके अकॉर्डिंग जब इस सारी सीक्रेट एजेंसी सुपर पावरफुल वांडा को कंट्रोल और उसके फैंटेसी वर्ल्ड को खत्म नहीं कर पाएंगे, तो सीरीज के फर्स्ट सीजन के क्लाइमेक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज आएंगे, जो इस स्वॉर्ड की हेल्प करेंगे वांडा की क्रिएट की हुई रियलिटी को खत्म करने में, और स्वॉर्ड वाले वांडा को इस तरह के एनवायरमेंट में रखेंगे जहां वो अपनी पावर्स यूज ना कर पाए, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज उनकी हेल्प करेंगे, और इस बात की वजह से स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज से नाराज हो जाएगी। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में दिखाया जाए कि नाइटमेयर, जो कि पॉसिबली मूवी का मेन विलेन होने वाला है, उसको वांडा की पावर्स के बारे में किसी तरह से पता चल जाए और वो उसे स्वॉर्ड से फ्री करवा के डॉक्टर स्ट्रेंज के अगेंस्ट यूज करे, जहां नाइटमेयर इस अर्थ के पीछे पड़े और वांडा को किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में भेजने का प्रॉमिस करे जहां विजन और उसकी फैमिली जिंदा हो, और इस मल्टीवर्स में वांडा की वजह से जो मैडनेस क्रिएट होगी उसको डॉक्टर स्ट्रेंज रोकने की कोशिश करेंगे। लास्ट में शायद वांडा को नाइटमेयर के असली इरादों के बारे में पता चल जाए, जिससे वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिल जाए और नाइटमेयर की बैंड बजाए। अब ये फैन थ्योरी ट्रेलर के काफी टाइम पहले सुनने को मिली थी, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद भी काफी फिट बैठ रही है। खैर, ये शो तो इसी साल देखने को मिल जाएगा, तो काफी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। अब अगर आपके पास भी इससे रिलेटेड कोई थ्योरी हो तो कमेंट्स में बताइए। अब आज के लिए इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, और प्लीज यार
सब्सक्राइब भी कर लिया करो उस नीले बर्फीले चैनल को, आप लोगों के लिए बनाया चैनल। साथ में बगल वाला घंटा भी बजा दो जिससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाओ। और अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हो तो पता है आपको एक चीज, मैं भी हूँ वहाँ पे काफी टाइम से, तो फॉलो कर डालो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मैंने डाल दिए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग की वीडियोस देखते रहिए।